बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद नदीम और आज हम आपको जिस रेलवे स्टेशन का विज़िट करवाएंगे उसका नाम है नूरपुर। इसका पुराना नाम हुआ करता था कोट गुरुदत्त सिंह। ये इसके ऊपर कोट गुरुदत्त सिंह अभी भी लिखा हुआ है, वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। ये रेलवे स्टेशन अंग्रेज़ों के दौर में कायम किया गया था, तकरीबन 100 साल पहले। उस वक्त ये बिल्कुल एक आबाद रेलवे स्टेशन हुआ करता था और बाद में ये रेलवे स्टेशन बंद कर दिया गया। इसको क्यों बंद कर दिया गया ये हम आपको बाद में बताएंगे। मकामी लोगों के मुताबिक ये पॉइंट एक हॉन्टेड प्लेस है और इसको आसेब ज़दा भी कहा जाता है। तो चलिए हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। ये सामने जो आपको रोड नज़र आ रहा है ये मेन सड़क है और ये सड़क टोबा टेक सिंह को जाती है और इसी मेन सड़क के बिल्कुल साथ ही ये रेलवे स्टेशन मौजूद है। ये देखें, ये आपको सामने नज़र आ रहा होगा, सामने ऊपर लिखा हुआ भी है नूरपुर और इसका पुराना नाम हुआ करता था कोट गुरुदत्त सिंह। ये देखें। चलिए अब हम इसके करीब चलकर इसका आपको डिटेल के साथ मंज़र दिखाते हैं। अंग्रेज़ दौर में जो भी इमारतें बनाई जाती थी वो अपने आप में बहुत मजबूत और पायदार हुआ करती थी। ये इसके सामने 3 आर्चें बनी हुई हैं। ये एक दरमियानी आर्च है और एक राइट पे है और एक लेफ़्ट पे है। ये छोटी वाली आर्चें हैं और इसकी बनावट का, इसका मंज़र देखें। ये आप ये देखें कितनी खूबसूरती के साथ इनको बनाया जाता था। ये इस तरफ भी देखें आप। यहाँ पर मैं जैसे ही इसके अंदर दाखिल हुआ हूँ तो यहाँ पर मुझे खौफ का एहसास महसूस हो रहा है। ये वाली जगह जहाँ पर मैं खड़ा हूँ ये बुनियादी तौर पर मुसाफर खाना थी और यहाँ पर बहुत से बेंच भी बने हुए थे। मैं आपको दिखाता हूँ उन बेंचों के निशानात। ये देखें, यहाँ से बेंच ये टूट फूट चुके हैं। ये देखें। और इस तरफ भी ये इसके आसार अब भी कुछ बाकी हैं। ये देखें। इसकी मैं आपको छत दिखाना चाहूँगा। ये देखें ऊपर से छत, वही अंग्रेज़ दौर का बना हुआ स्ट्रक्चर, अपने आप में बहुत मजबूत और पायदार। ये इस तरफ मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये किराया नामा यहाँ पर लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है रुपया और ये पैसा, क्योंकि उस वक्त पैसे भी चलते थे। गोजरा का किराया है 2 रुपये, कोट सलीम शहीद का 3 रुपये, कोट आबादान का भी 3 रुपये, पक्का अन्ना का 4 रुपये और इसी तरह ये मुख्तलिफ यहाँ पर रेलवे स्टेशनों के नाम लिखे हुए हैं। और ये इस तरफ जानी वाला टोबा टेक सिंह, जड़ा वाला शोरकोट, दरखाना, अब्दुल हकीम, खानेवाल, मुल्तान। मुल्तान का किराया ये देखें लिखा हुआ है, यहाँ से सिर्फ 20 रुपये। और ये रेल के आने के औकात नाफजुल अमल 15/3/1993, यानी कि 1993 तक भी ये रेलवे स्टेशन अपने आप में चालू हालत में मौजूद था। उसके बाद फिर इसको बंद किया गया। ये देखिए यहाँ पर रेलों के नाम भी लिखे हुए हैं, शोरकोट एक्सप्रेस, खानेवाल एक्सप्रेस और इसी तरह ये और भी लिखे हुए हैं नाम जो कि अब मिट चुके हैं। और ये वाला टिकट घर है। ये देखें यहाँ पर ये खिड़की देखें आप, यहाँ पर मुसाफिर खड़े होते थे और यहाँ से उस तरफ बंदा बैठा होता था जो मुसाफिरों को टिकटें फराहम करता था और यहाँ पर कतार बनाकर लोग टिकटें लिया करते थे। इसका फ़र्श अब भी अपने आप में बिल्कुल ठीक हालत में मौजूद है, मजबूत और पायदार हालत में अब भी मौजूद है। और ये देखें यहाँ पर ये लोहे के गार्डर से यहाँ पर लगे हुए हैं, एक ये वाला गार्डर है और एक ये वाला गार्डर है। और इसके साथ ही और जो कमरे बने हुए हैं मैं आपको वो दिखाता हूँ। ये वाला यहाँ पर जहाँ पर अब मैं मौजूद हूँ ये एक छोटा सा बरामदा है। यहाँ पर ये 2 आर्चें बनी हुई हैं, एक ये वाली आर्च और एक ये वाली आर्च। और इसके साथ छत वही उसी दौर की बनी हुई। और यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि यहाँ पर ये जो खिड़कियाँ वगैरह हैं ये देखें, खिड़की का निशान मौजूद है लेकिन यहाँ पर खिड़की नहीं है। यहाँ पर ये दरवाज़े की जगह मौजूद है लेकिन दरवाज़ा नहीं है। और इसी तरह इस तरफ भी ये दरवाज़ा नहीं है। ये सब चोर उचक्कों और उठाईगिरों का काम है और नशई हजरात का काम है जो इसको अखाड़ ले गए यहाँ से। ये हमारा कौमी असासा था, कीमती असासा था जिसकी हिफाजत करनी चाहिए थी, जो कि नहीं की गई। ये देखें, ये इसका मेन कमरा है। ये देखें जो मैंने आपको बाहर से दिखाई दी खिड़की, जहाँ पर लोग टिकट ख़रीदते थे। यहाँ पर चेयर रखी होती थी जिस पर टिकट देने वाला बंदा बैठा होता था। ये देखें, ये उसका एक पॉइंट सा बना हुआ है, इसके ऊपर चेयर रखी होती थी। और इसमें ये देखें आतिशदान बना हुआ है, यानी कि उस वक्त के दौर के मुताबिक यहाँ पर हर सहूलत मौजूद थी। यहाँ पर लकड़ियाँ जलाई जाती थी। और ये देखें, ये इसके ऊपर ये वाली जो जगह है, यहाँ से ऊपर इसके पीछे चिमनी बनी होती है और जहाँ से धुआं ऊपर जाकर छत के रास्ते से बाहर को निकल जाता है। यानी कि स्टेशन मास्टर वगैरह यहीं पर बैठा करते थे। उनकी सहूलतों के लिए, उनके आराम के लिए यहाँ पर हर किस्म की सहूलत मौजूद थी। इसके साथ ही ये एक छोटा सा कमरा इधर भी बना हुआ है, ये शायद स्टोर रूम है। ये देखिए छोटा सा कमरा है। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਆ ਜੀ ਨੂਰਪੁਰ, ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕੀ ਆ ਗਏ? ਇੱਥੇ ਵੀਰੇ ਨੂਰਪੁਰ 302, ਅੱਛਾ 301, ਅੱਛਾ ਪਿਆਰੇ ਵਾਲ ਦੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਅੱਛਾ ਅੱਗੋਂ ਪਰਾ ਕਾਲਾ ਭਾਰ ਬਰਿਆਰਾ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਅੱਛਾ ਆ 84 ਆ ਹਰਾਣਿਆ ਇਹ ਜਾਂ 1884, ਅੱਛਾ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਸਵਾਰੀ ਮਸਵਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪੈਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਵਾਵਾ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਹਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵਾਵਾ ਸਵਾਰੀ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਰਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪੂਰੀ ਮਸਲਮ ਜਿਵੇਂ ਟੇਸ਼ਨ ਚੱਲਦਾ ਨਾ ਆਪਣਾ ਗੋਇਰੇ ਦਾ, ਇਸ ਦਾ ਟੇਸਟੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਇਹ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਇਹ ਬਸ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬੇਬਾਦ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਗਾ ਦੇ ਪਟਵਾਰੀ ਗਾਲਰ ਪਟਵਾਰੀ इदा करके जो खत्म हो गया। तो बड़िया रौनक होंगे। हाँ बड़े रात दिन रौनक नहीं, रात दिन कोई परेशानी कोई पिंडा लोग कि आते मतलब टांगे तुर के भी चल जाते, कोई टांगे कोई मोटरसाइकिल आ गए दूर से, कोई मोटरसाइकिल कोई सैकल से आ गया। आहो नूरपुर के तुर के आ जाते, साढ़े पिंड तुर के आ जाते। मोटरसाइकिल बाद चले ना, पहले तो लोग टांगे सैकल खोता रेहड़ियां। हाँ जिदा भी अपना इतने सवारी भाई जाने टाइम ना आके बहन इतनी जगह बहन उठन इतने बेंच बने से वो भी ढाट उछले लोगों ने। अच्छा बैंड बून ले बेंच सी जेड़े? हां इथे बेंच बून भी ढाट उठ गए हर शे। देखो बूहे बारियां कोई नहीं रहते। हां हूं तो बिल्कुल आ, यानी कि देख लो कि हर तरह वीरान हो गया, वीरान हो गया। ए ते हुन हुकूमत चंगा करे इनदी इधर किते होर सेट ला ले। ए कितना चेर होया इनु बंद होई इनु? ए मेरा ख्याल कहदा जी बेअंजीर दी जदों हुकूमत आई है ना। हां जी हां जी जरदारी दी जे हुकूमत आई। हां जदों ए 1990 तो बाद। हां उदों बंद होई, पहले चालू सीगी। साडी होश दे विच आ सी आप ते मसाल ना साडी प्याली आ। अच्छा हां सानू ते सारा वैसे डेरा साडा हुंदा सीगा, आउंदे जांदे सारा सारा पता जी। बहुत बहुत मेहरबानी ताड़ी। एक छोटा सा कमरा इस तरफ भी बना हुआ है। ये इसकी देखें छत, वही पुराने दौर की बनी हुई छत, और ऊपर एक कुंडा भी लटका हुआ है पंखे के लिए। और ये इस तरफ रोशनदान राउंड शेप में बना हुआ, और ये यहाँ पर टाइलें वगैरह लगी हुई हैं, ये बाद में लगाई गई थी। और इस खिड़की से ये बाहर का मंज़र भी आप देख सकते हैं। ये देखें यहाँ पर बिल्कुल जंगल उगा हुआ है। शाम का वक्त हो चुका है, हमें जल्दी से अपनी वीडियो को मुकम्मल करना होगा। इस तरफ से मैं आपको बाहर से दिखाता हूँ। ये एक और इस तरफ कमरा मुझे नज़र आया है। ये देखें इसके ऊपर भी कुछ नहीं लिखा हुआ। इसके ऊपर भी ये देखें छत पर एक कुंडा लगा हुआ है पंखे के लिए, और एक छोटा सा ये कमरा है, शायद ये स्टोर रूम के लिए इस्तेमाल होता होगा। अब इस स्टेशन की जो मेन इमारत है मैं उस तरफ आ चुका हूँ, यानी कि जिस तरफ रेलवे की पटड़ियाँ होती हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये इमारत देखें कितनी खूबसूरत, आज भी वैसी की वैसी मजबूत और पायदार। और ऊपर लिखा हुआ है नूरपुर, इस तरफ उर्दू में और इस तरफ इंग्लिश में। और इसके पीछे आप अगर महसूस करें, गौर करें तो आपको कोट गुरुदत्त सिंह भी लिखा हुआ नज़र आएगा। कोट गुरुदत्त सिंह पाकिस्तान बनने के बाद तक इसका नाम रहा था, जिसको बाद में फिर तब्दील किया गया। और इस तरफ ये देखें जंगली कीकर उगे हुए हैं, बहुत से झाड़ झुनकार इस तरफ उगे हुए हैं। और सामने आपको रेलवे लाइन नज़र आ रही होगी। मैं चलिए आपको करीब चलकर इसको दिखाता हूँ। ट्रेनें यहाँ से अब भी गुज़रती हैं, लेकिन ये स्टेशन बंद होने की वजह से ट्रेनों का यहाँ पर स्टॉप नहीं होता और ट्रेनें यहाँ पर नहीं रुकती। ये इस तरफ सामने जो आपको पटड़ी नज़र आ रही है, ये इस तरफ कराची की तरफ चली जाती है। इसके बाद स्टेशन आता है, मशहूर जो स्टेशन आता है पहला वो है टोबा टेक सिंह, उसके बाद शोरकोट और फिर मुल्तान और इस तरह फिर रोहड़ी सक्खर वगैरह फिर आते हैं। रोहड़ी से आगे फिर अगर आप जाएं तो रोहड़ी से दो ट्रैक हो जाते हैं। एक ट्रैक जो होता है वो कोयटा की तरफ निकल जाता है और दूसरा जो ट्रैक है वो कराची की तरफ निकल जाता है। और दूसरी तरफ मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये इस तरफ पहला स्टेशन गोजरा आता है और उसके बाद फिर मशहूर स्टेशन लायलपुर और फिर ये रेलवे लाइन आगे लाहौर को चली जाती है। इसको मैं आप पटड़ी को करीब से दिखाता हूँ। ये देखें, ये जो आपको नज़र आ रहे हैं ये कंक्रीट के बने हुए हैं, इनको स्लीपर कहा जाता है रेलवे की ज़ुबान में, जबकि इसको पंजाबी ज़ुबान में गुटके कहा जाता था। ये पहले लकड़ी के हुआ करते थे लेकिन अब इसको कंक्रीट के साथ बनाया जाता है। नूरपुर रेलवे स्टेशन के साथ ही एक और कमरा बना हुआ, इसके अंदर हम चलकर देखते हैं। ये देखिए, ये कमरा भी अब बंद हो चुका है, इसके अंदर भी अब कुछ नहीं है। रेलवे के असासे तबाह बर्बाद हो रहे हैं। ये पता नहीं किस चीज़ के लिए, किस मकसद के लिए इस्तेमाल होता होगा, इसका नहीं पता चल सका। इसी स्टेशन के साथ बना हुआ एक और कमरा जो हमें नज़र आया है, ये देखें, इसकी भी ये देखें हर तरफ टूट फूट का शिकार है, इसका लेंटर भी टूट चुका है। और ये देखें, ये आपको इसके सरिये नज़र आ रहे होंगे, ये देखें इसकी छत देखें टूट फूट चुकी है और उसमें से सरिये बाहर को झांक रहे हैं। एक इस तरफ ये छोटा सा कमरा है। इस रेलवे स्टेशन का कोई पुरसाने हाल नहीं, इसकी इमारत बिल्कुल तबाह बर्बाद हो चुकी है। हमारा तारीखी विरसा बर्बाद हो चुका है। इसके आसपास भी बिल्कुल जंगल उग चुका है। ये देखिए, यहाँ पर हमें बहुत एहतियात के साथ चलना होगा, यहाँ से कोई भी सांप बिच्छू वगैरह निकल सकते हैं। अल्लाह पाक अपनी हिफाजत में रखे सबको। ये देखें, ये वाला ट्रैक मैं आपको दिखाता हूँ। ये कच्ची सड़क है, यहीं से तांगे वगैरह पर बैठकर लोग आया करते थे और फिर इस स्टेशन पर पहुँचकर ट्रेन में बैठ जाया करते थे। ये देखें, ये वही कच्चा रास्ता है, आज भी ये मौजूद है। ये देखिए, इस तरफ ये फसलें वगैरह भी लोगों ने बीजी हुई हैं और यहाँ पर ये एक छोटी सी मस्जिद भी मौजूद है, ये मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये भी यहाँ के मकामी लोग बताते हैं कि ये उसी वक्त की बनी हुई है, इसको बाद में भी रेनोवेट किया गया था लेकिन अब इस कि ये हालत हो चुकी है कि ये देखें बिल्कुल ये टूट फूट चुकी है और यहाँ पर बिल्कुल इसकी हालत खस्ता और ख़राब हो चुकी है। ये देखिए, इसके अंदर भी नहीं हम जा सकते क्योंकि इसके अंदर जाना भी ख़तरे से खाली नहीं, क्योंकि ये झाड़ियाँ वगैरह उगी हुई हैं और यहाँ पर कोई भी सांप बिच्छू वगैरह निकल सकता है। और ये इसकी बैक साइड है, यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ इस मस्जिद का मंज़र। ये इसकी महराब का बैरूनी मंज़र। ये सामने आपको रेलवे का कैबिन नज़र आ रहा है, जहाँ से रेलवे ट्रैक चेंज किए जाते थे। यहाँ तक पहुँचना बहुत ही जान जोखों का काम है। ये देखे, रास्ते में बहुत सारी ये जड़ी बूटियाँ और पता नहीं किस किस्म की ये झाड़ियाँ वगैरह उगी हुई हैं और बहुत मुश्किल है वहाँ तक पहुँचना, लेकिन मैं वहाँ पर ज़रूर जाऊँगा। और रास्ते में ये देखें एक फूलदार झाड़ी, ये देखें कितने प्यारे इस पर फूल लगे हुए हैं। और ये सामने मुझे ये इमारत नज़र आ रही है रेलवे ट्रैक की, इसके मैं करीब चलता हूँ। अब तो शाम बहुत ज़्यादा हो चुकी है, सूरज भी गुरूब हो चुका है और यहाँ पर हू का आलम तारी है। इस जगह पर अब तो कोई भी नहीं आता। ये देखें, यहाँ पर हर तरफ हू का आलम तारी है और बिल्कुल ये जगह सुनसान महसूस हो रही है और बहुत ही खौफजदा ये जगह महसूस हो रही है। ये देखिए, यहाँ पर ये इसके ये सीढ़ियाँ बनी हुई थी इस तरफ। ये देखिए, ये सीढ़ियों के निशान आपको नज़र आ रहे हैं। ये इस तरफ ये बिल्कुल टूट चुकी है और ये इसकी इमारत है। इसके अंदर मैं जाता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर आना भी ख़तरे से खाली नहीं था, लेकिन मैंने ये रिस्क लिया। ये देखिए, इसके ऊपर ये गार्डर लगे हुए हैं। इन गार्डरों के ऊपर तख्ते लगे होते थे और उनके ऊपर फिर हैंडल लगे होते थे, जिनसे रेलवे ट्रैक को चेंज किया जाता था। यानी कि ट्रेन को एक पटड़ी से दूसरी पटड़ी पर जब डालना होता था तो फिर इन हैंडलों के ज़रिए उसको दूसरी पटरी पर डाला जाता था। और ये देखिए, यहाँ पर मज़बूत और मोटा गार्डर, ये देखें, बहुत ही मज़बूत और मोटा गार्डर। आज के दौर में इस तरह के गार्डर बनाना तो नामुमकिन है, सोच भी नहीं सकता बंदा। और ये इसके ऊपर वो देखें, ये मैं आपको दिखाता हूँ, आपको नज़र आ रही होगी सामने वो, ये चिमनी है। यहाँ पर उस वक्त में आग वगैरह जलाई जाती थी सर्दियों के मौसम में। उस दौर में रेलवे स्टेशनों पर अक्सर 2 कैबन बनाए जाते थे। एक को शुमाली कैबन कहा जाता था और एक को जनूबी कैबन कहा जाता था। और यहाँ पर तो मुझे सिर्फ ये एक ही कैबन नज़र आया है। ये देखें, ये इस तरफ कैबन है और इस तरफ ये देखें, हर तरफ जंगल ही जंगल उगा हुआ, हर तरफ। और ये सामने आपको रेलवे की पटड़ी नज़र आ रही होगी, वही रेलवे ट्रैक जो लाहौर की तरफ चला जाता है। ये देखें, इस तरफ। यहाँ के मकामी लोग बताते हैं कि 1990 की दहाई में इस रेलवे स्टेशन को बंद किया गया था। कुछ मकामी लोगों के मुताबिक इसको इसलिए बंद किया गया था क्योंकि यहाँ पर आसेब वग़ैरह मशहूर हो गया था। ये एक नामुमकिन सी बात है, लेकिन एक दूसरी राय ये भी है कि इसको इसलिए बंद किया गया था कि ज़्यादातर लोग बसों वैगनों पर सफ़र करना शुरू हो गए थे और इसलिए यहाँ पर सवारी कम पड़ती थी, इसलिए इस रेलवे स्टेशन को मजबूरन बंद करना पड़ा। अब अल्लाह पाक बेहतर जानता है कि यहाँ पर कोई आसेब है या नहीं है। हकीकत हाल का इलम सिर्फ़ अल्लाह पाक को है। इसके साथ ही हमारी आज की वीडियो अपने इख्तिताम को पहुंचती है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।